नमस्कार मित्रों मैं अनिल कुमार सेठ एस्ट्रोलॉजी वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट आज हम मकर राशि के ऊपर वीडियो लेके हैं मकर राशि में गुरु का प्रभाव धनिष्ठा नक्षत्र में कैसे रहने वाला है मकर राशि जो हमारी मोस्ट फेवरिंग राशि भी मानी जाती है और शनि प्रदान राशि मानी जाती है मेहनत की राशि मानी जाती है हार्डवर्क की राशि मानी जाती है बृहस्पति देव जो हैं गुरु महाराज जी जो हैं ये आपके सेकंड हाउस से इसमें ट्रांज़िट कर रहे हैं और वक्री पोजीशन में चल रहे हैं यानी कि रेट्रोक्रेट चल रहे हैं और बृहस्पति वक्री होकर धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में चल रहे हैं और इस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है वो मंगल होता है और पा, पाँच डिग्री का ये धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में चल रहा है तो धीरे धीरे ये बृहस्पति वक्री होकर फिर तीसरे नक्षत्र में फिर दूसरे नक्षत्र में इसका संचार होगा क्योंकि पीछे की तरफ जा रहा है बृहस्पति और इसकी पिछली राशि जो है वो मकर राशि है तो मकर राशि की तरफ इसका झुकाव बढ़ रहा है और धनिष्ठा नक्षत्र का जो चौथे पा पाद में चल रहा है और नवांशा में ये वृश्चिक राशि में आ, ये इसका धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे पादा में वृश्चिक राशि में इसका प्रवेश चल रहा है नवांशा में मकर राशि का अगर नक्षत्रों की बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव जो है नवांशा में वो कैसे रहने वाला है टिल 2011 ग्यारह तक इसका हमने कैलकुलेशन किया है जैसे कुंभ राशि की वीडियो की दी थी पहले इसी तरह आप मकर राशि की वीडियो कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे जैसे हमें समय मिलता है हम आपको वीडियो एक एक कैलकुलेशंस करके बताते हैं और बिल्कुल साइंटिफिक कैलकुलेशन और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के दोबारा ही चीज़ें निकाल के देते हैं नवांशा चार्टा में वृश्चिक राशि में जब बृहस्पति मकर राशि के चल रहा है तो मकर राशि की अगर हम दो राशियों की बात करें वृश्चिक राशि उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है नक्षत्रों का प्रभाव उप नक्षत्रों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है कुंडली में और इसके बगैर ज्योतिष अधूरा है जो वृश्चिक राशि है मकर राशि की अगर देखा जाए नवांशा चार्ट की वो आपकी लाभ की राशि है दूसरी राशि चौथे भाव की राशि है अब मकर राशि को यहाँ पर क्या चीज़ें मिलने वाली हैं इस चरण में क्योंकि बीस आठ को ये तीसरे चरण में प्रवेश करेगा इसी महीने की और बृहस्पति आपका सेकंड हाउस में है लेकिन चौथे चरण में नवांशा के वृश्चिक राशि में होने से लाभ की आपको संभावना बढ़ेगी चौथा भाव प्रॉपर्टी का है प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के काम में बृहस्पति आपको धन लाभ यहाँ पर प्रदान करेगा प्रॉपर्टी का जो काम करते हैं उसमें फायदा करेगा क्योंकि एक तो चौथे घर की राशि मंगल की और इलेवंथ हाउस की राशि मंगल की होने से आपको बड़े भाई से धन लाभ मिलेगा कोई पैतृक संपत्ति में आपको फैमिली से रिलेटेड कोई जो प्रॉपर्टी है उसमें आपको सोल्यूशन मिल सकता है फोर्थ हाउस आपके पीस हैप्पीनेस ऑफ माइंड का भी आपकी डिज़ायर्स जो एलेवन्थ और फोर्थ हाउस का कम्बिनेशन दिखा रहा है और सेकेंड हाउस में बृहस्पति होने से टू फोर और एलेवन का जो कम्बिनेशन होता है हमारी डिज़ायर्स को पूरा करता है जैसे आपके अंदर कोई पुरानी इच्छा जागृत हो रही थी वो उसको पूरा करने वाला है बृहस्पति इसका मतलब ये होता है अगर आपने के पी को जानते हैं कृष्णा मूर्ति पद्धति उसमें नक्षत्रों के द्वारा ही पॉइंट्स दिए जाते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो प्रोडिक्शन आ रही है इस समय चलकर बृहस्पति की वो भी यही आ रही है उस नक्षत्र का प्रभाव जो है वो आपके प्रॉपर्टी से आपको धन लाभ दे रहा है आप गुप्त तरीके से जो आप काम कर रहे हैं अंदर ही अंदर वो आपको आगे चल के काफ़ी बड़ा बेनिफिट देने वाला है अगर हम 28, बीस आठ दो के बाद की तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में जब तुला राशि में बृहस्पति जाएगा वो आपके टेंथ हाउस में प्रवेश करेगा आपको मालूम है कि मकर राशि के दशम स्थान पे जब बृहस्पति का नवांशा में जाना तीसरे चरण में वो अपने आप में बहुत सुंदर योग बनाएगा दशम स्थान पे जब जाता है तो कार्मिक अफेक्ट को बढ़ा देता है बृहस्पति दूसरा बात यह है कि तुला राशि शुक्र प्रधान राशि में बृहस्पति का होना है और उसके तुला राशि की जो राशियां हैं दो यानी कि आपकी पंचम भाव की राशि टेंथ हाउस की राशि इसको एक्टिवेट कर रहा है यहाँ पर जैसे आपकी कोई फैमिली में किसी बच्चे की शादी के शुभ समाचार मिलेगा बच्चों की एजुकेशन से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा व्यापार में तरक्की के आपको चांस मिलेंगे क्योंकि वो शुक्र को पकड़ लेता है जैसे ही कोई प्लैनेट किसी के नक्षत्र में जाता है तो उस प्लैनेट के लोड को इफ़ेक्ट करता है ये नक्षत्रों की एक गणना होती है ज्योतिष में तो उसको इन्फ्लुएंस पैदा करता है सपोज़ करो आप अगर आप दिल्ली में बैठे हुए हो आपका मन यूएसए जाने को कर रहा है और आपका कोई बेटा यूएसए में आपको इनवाइट कर रहा है तो जब आप फ्लाइट पकड़ोगे तो जब आपकी फ़्लाइट यू में लैंड करेगी तो आप अपने बेटे के घर जाओगे तो जितने भी दिन आप यू में रहोगे दूसरी कंट्री में रहोगे उसका इन्फ्लुंस आपको मिलेगा आपको दिल्ली से सिर्फ समाचार ही फोन के माध्यम से मिल सकता है लेकिन दिल्ली का जो फ़िज़िकल इन्वायरमेंट है जो फिज़िकल चीज़ें हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी आपको यू इसी तरह ये नक्षत्र भी ऐसे ही प्रभाव करते हैं तो लॉजिक मैंने आपको साथ में समझा लिया आई थिंक आपको इस चीज़ का अंडरस्टैंड हो जाएगा इन नक्षत्रों का तो ये जो चरण रहेगा बीस आठ से लेकर पंद्रह नौ तक रहेगा ये तीसरे चरण में नवांशा में तुला राशि में होगा शुक्र की राशियों को इन्फ्लुंस करेगा आप बड़े बड़े डिसीजन उस समय लेंगे व्यापार के प्रति और शुक्र की जो चीज़ें होती हैं हॉस्पिटैलिटी की एंटरटेनमेंट की ऑटोमोबाइल्स की हो गया होटल इंडस्ट्रीज हो गया है इसमें मकर राशि वालों को फ़ायदा मिलने वाला है और बच्चों की तरफ से भी खुशी मिलने वाली है पंद्रह नौ के बाद गुरु धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएगा और टिल बीस ग्यारह दो हज़ार इक्कीस तक इसका रहेगा और दूसरे चरण में नवांशा में ये कन्या राशि में प्रवेश करेगा कन्या राशि बुध प्रधान राशि होती है तो मकर राशि से कन्या राशि अगर हम देखें तो आपकी नाइन्थ हाउस की भाग्य की राशि लॉन्ग ट्रेवलिंग की आ रही है पिता की राशि आ रही है और दूसरी बुद्ध की राशि छठे भाव की राशि आ रही है बुद्ध की जो छठे भाव की राशि बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि कंपटीशन से विनिंग कराता है यहाँ पर अब बृहस्पति का जब ये चरण इस चरण में प्रवेश होगा नवांशा में और बुद्ध की जो दोनों राशियाँ हैं उसको प्रभावित करेगा तो क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं एक तो आपकी लंबी दूरी की यात्रा आपको मिलने वाली है क्योंकि उस टाइम पे बृहस्पति मकर राशि में होगा शनि को भी साथ में इन्फ्लुंस करेगा और आपको मान प्रतिष्ठा मिलने वाली है समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा छठे भाव कंपटीशन का होता है कंपटीशन से विनिंग कराएगा और जो आप कार्य कर क्षेत्र करते हैं उससे आपको फ़ायदा मिलेगा अगर जॉब करते हैं तो जॉब में आपको बहुत अच्छी प्रमोशन मिलेगी प्रमोशन के नई नौकरी के चांस मिलेंगे एक से ज़्यादा आप मल्टीपल काम करते हैं उससे गेन करेगा विदेश से आपको ऑफर आ सकती है विदेश की यात्रा आपको आ सकती है तो ये पंद्रह नौ से बीस इक्कीस तक का इसका प्रभाव रहेगा नक्षत्र का तो ये जो गणना है हमने इक्कीस ग्यारह दो हज़ार इक्कीस तक कैलकुलेट करके रखी हुई है तो एक, -एक राशि करके आपको बतलाते रहेंगे तो ये वीडियो आपको कैसी लगी तो आपको नक्षत्रों का लॉजिक समझ आ गया होगा नक्षत्रों का टेस्ट जो होता है वो कैसे हमारी राशियों में इन्फ्लुंस करता है इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं नमस्कार